हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूं अपना पर्पल हॉल। ये मेरा पर्पल का स्किन केयर हॉल होगा। लास्ट वीडियो मैंने अभी डाली थी, अभी पर्पल मेकअप हॉल, सब न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स थे। ये भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स है। ये वाला मेकअप लुक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने वैसे येलो साड़ी डाली हुई है। वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट से गाइज स्टार्ट करते हैं। पर्पल ने लॉन्च किया अपने सीरम्स लॉन्च किए हैं, फेस सीरम्स। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो, पैकेजिंग अच्छी लगी, गोल्ड एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में ना। एंड इसके ऊपर बना हुआ स्नेल, क्या बोलते हो आप इसको, स्नेल म्यूकिन इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम। स्नेल क्या बोलते हो, मेरे को प्रोनाउंस ही नहीं आ रहा करना। स्टील मकिन, स्नेल मकिन या म्यूकिन, आई डोंट नो क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट द प्रोडक्ट इज अमेजिंग। इसको मैं लगातार यूज कर रही हूँ, जब से मुझे रिसीव हुआ 3-4 बार मैं इसको लगातार यूज कर चुकी हूँ। इन्होंने लिखा ना इंस्टेंट हाइड्रेशन, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे लगता है ना पूरा फेस एकदम गीला हो गया और एकदम बाउंस सा आ जाता है फेस के ऊपर, एकदम प्लम्पी प्लम्पी सी स्किन लगती है। मतलब अगर आपकी स्किन रूखी सूखी सी है ना, तो आप इसको अप्लाई करो, इंस्टेंटली आपको फील होगा कि हाँ जी इसके अंदर हाइड्रेशन आपकी स्किन को ये प्रोवाइड करता है। टेक्सचर इज वेरी मच गुड, वॉटरी सा जेली बेस सा टेक्सचर है, ऑयली सा बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल का कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा था मुझे जब मैंने इसको अप्लाई किया। अच्छा, ये मैंने अप्लाई किया था मेकअप करने से पहले भी, हाँ जी। तो मेकअप वाली वीडियो देखेगी तो आपको पता लग चुका होगा। फिर मेरे अच्छा जो हाथ में आ रहा है वो दिखा रही मैं बस आपको रेंडमली। पर्पल का ये है बेयर ब्यूटी क्लेंजिंग बाम, ये मेकअप रिमूविंग बाम है। और आई हैव नो आइडिया ये कैसा प्रोडक्ट है, बस अब ये जो इतना हैवी मेकअप किया ना, एक दो और मेरे को वीडियो शूट करनी है, उसके बाद मैं इसी को ही यूज करने वाली हूँ। नया लॉन्च प्रोडक्ट है तो हम इसी को ही आज यूज करेंगे एंड रिव्यू शेयर करेंगे। तो अनरेडी वाली वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि अनरेडी वाली वीडियो में मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट आज रिव्यू करूंगी। मतलब सारा मेकअप देखते हैं कैसे रिमूव करता नहीं करता, क्योंकि बहुत हैवी आई मेकअप किया हुआ मैंने। एंड बाम है ये, पाउडर ब्लू कलर की है ये, ठीक है। अभी मैं टच नहीं करने वाली, पता लगा यहाँ पे टच हुआ और यहाँ टच हुआ तो सारा मेकअप ही, ठीक है। अनरेडी वाली वीडियो में गाइज अभी इसी के साथ ही मैं मेकअप रिमूव करूंगी। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे अच्छा ये बड़ा अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट, पर्पल का कोलाजन बूस्टिंग इटर्नल स्प्रिंग नाइट जेल विथ पोमीग्रेनेट सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये ना कोलाजन बूस्टिंग ये नाइट जेल है गाइज, इतनी हाइड्रेटिंग जेल है ना, मतलब फेस अगर आपका ड्राई है ना, यू विल फील कि एकदम गीला गीला हो गया। अब मैंने ना मेकअप वाली वीडियो जाके देखो, क्योंकि मैंने उसमें ना ये वाला प्रोडक्ट यूज किया था, टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया, एकदम थिक जेल सी है जो रिफ्रेश कर देती है आपके फेस को। हल्की हल्की सी है, थोड़ी सी सिट्रसी सी इसकी फ्रेग्रेंस है एंड टेक्सचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मुझे ऐसे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, पता क्या होता है ऐसे प्रोडक्ट्स ना आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते, वो क्या करेंगे आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। जितनी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी उससे क्या होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा आपको पता है, आपकी स्किन यंग रहेगी। जितनी हाइड्रेटेड रहेगी उतनी आपकी स्किन यंग रहेगी। अगर आप उस स्किन को ड्राई रखना शुरू कर दोगे तो वो लाइंस पड़नी शुरू हो जाएंगी, फाइन लाइंस आ जाएंगी, रिंकल्स आ जाएंगी, स्किन के ऊपर एज दिखनी शुरू हो जाएगी। कैसे, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी ना डालो डिहाइड्रेशन हो जाती है, मिट्टी सूख जाती है, लाइंस पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है मिट्टी में, वैसे हमारी स्किन है। मिट्टी में जैसे पानी डालते हो कैसे वो एकदम सॉफ्ट सी मिट्टी हो जाती है, हमारी स्किन भी बिल्कुल वैसे ही है गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे पास यहाँ पे है रेटिनॉल स्मूथ एल्यूर सीरम। ये स्नेल सीरम की मैंने आपको पैकेजिंग नहीं ना दिखाई, ये देखो अभी एक्चुअली यूज करके हटी ना मैं, ये देखो इनकी पैकेजिंग और बाकी जितने भी सीरम्स है ना गाइज उनकी पैकेजिंग सेम ऐसी। अब मैं इनको यूज करती रहूंगी तो आपको मैं इनका ना टेक्सचर वगैरह बताती रहूंगी क्या है कैसा है, ठीक है। स्नेल वाला तो देखो मुझे बहुत पसंद आया, इसको मैंने यूज कर चुकी हूं, एकदम हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा और बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं होती इसके अंदर, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड उसके बाद गाइस मेरे पास है काकादू प्लम स्किन इल्यूमिनेटिंग सीरम, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं, तो
स्किन इल्यूमिनेटिंग सीरम है ये। अब गाइज ये जो फेस सीरम्स है ना, अब जब तक हम इनको यूज नहीं करेंगे हम कैसे आपको बता सकती हूँ मैं, ठीक है। अभी तक मैंने इसको ओपन तक नहीं किया, देखो देखो इसका टेक्सचर कैसा है। अच्छा ओ इट्स सो गुड, एकदम एकदम जैसे ना मेल्ट नहीं हो रहा हाथ पे, एकदम वैसे हो रहा है, एकदम गुई गुई सा टेक्सचर है। टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया इनका, ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मुझे ऐसे वाले प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं क्योंकि पता ही क्या होता है, ये वाला जो टेक्सचर होता है आपका सारा साल चल जाएगा। जिसमें अगर थोड़ा सा भी ऑयल बेस्ड सीरम्स होते हैं ना गाइज, वो आपके सिर्फ ठंड वाले मौसम में चलते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आपकी गर्मियां आती तो आप ऑयली बेस्ड प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करते ना, आप क्या यूज करते हो, ऐसे वाले सीरम्स जो मैक्सिमम हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, जो थोड़ा सा वाटर बेस्ड हो, जेल बेस्ड हो, है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो इस वजह से ये आपके सारा साल चलेंगे। एंड रेटिनॉल स्मूथ एल्यूर सीरम मैंने आपको दिखा दिया, एक और सीरम था इनका, हाँ नायासिनामाइड ब्लेमिश एक्लिप्स सीरम। नायासिनामाइड हम सबको बताया गाइस, आप पिगमेंटेशन को रिमूव करने में, कम करने में आपको हेल्प करता है, और डार्क स्पॉट्स को पे जब आपके पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे से रह जाते हैं, उसको ठीक करने में आपको हेल्प करता है, बट रेगुलर लगाना पड़ता है। और आप अपने मॉर्निंग रूटीन में, नाइट टाइम रूटीन में इसको इंक्लूड करो, साथ साथ में अच्छी डाइट लो। सिर्फ प्रोडक्ट्स ऊपर से लगाने से भर भर के कुछ नहीं होता, अच्छी डाइट लो। मैं आपको ये भी बोलूंगी कि साथ साथ में आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह भी लो, क्योंकि मैं लेती हूँ मल्टीविटामिन्स वगैरह, इतना हार्डवर्क करना पड़ता है कि मुझे लेना ही पड़ता है मल्टीविटामिन्स। उसके साथ साथ आप अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, मतलब बहुत चीजें होती है, दूध दही ये वो, पानी अच्छी तरह से पियो, सुबह उठते सारे एकदम चाय मत उड़ेल लो, कॉफी मत उड़ेल लो अपने अंदर, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, थोड़ा सा यू नो अपने आप को क्लीन रखना पड़ता है, तब जाके यू नो स्किन आपकी थोड़ी सी दिखने में अच्छी हो पाती है स्किन। प्रोडक्ट्स तो हम डेफिनेटली अप्लाई करते, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट्स के सहारे अगर आप रहोगे ना तो नहीं काम चलता, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते थे हमने 2 महीने लगाया हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे आपका कैसा लाइफस्टाइल है हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली। सुबह उठते सार अगर आप 2 कप कॉफी पी जाओगे, बिना गर्म पानी पिए, बिना डिटॉक्स वाटर लिए, तो देखो वो कहीं ना कहीं आपके स्किन के ऊपर बेनिफिट वो दिखता है, क्योंकि मैंने ये चीज फील की है। पहले मैं नहीं इतना ध्यान देती, कौन उठ के गर्म पानी पिए, कौन उठ के डिटॉक्स वाटर ले, इतना कौन करे यार, चुप करो अपना नाश्ता करो, कप भर के चाय पी लो। तब में और अब में काफी फर्क है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ध्यान देती कि नहीं भैया गर्म पानी पी लो, डिटॉक्स वाटर पी लो। चलो बैक टू द पॉइंट, पर्पल के यहाँ पे हेलरोनिक एसिड प्लम्प एंड शाइन सीरम है। हेलरोनिक एसिड एक ऐसा मतलब इंग्रेडिएंट है ना जो आपके स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ये आप सबको पता है। तो या ये डेफिनेटली आपको हाइड्रेशन ही प्रोवाइड करेगा ये वाला सीरम, और आपकी स्किन को प्लम्प बनाएगा। तो सीरम्स तो गाइज आपकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोगे ना, कि आपको इतने सारे ब्रांड ने लॉन्च किए। अरे इसका ट्रांसपेरेंट है ये, ओ देख रहे हो कैसा इसका ऐसे करके मतलब टेक्सचर था, ओहो वाओ सो गुड। मुझे ऐसे वाले सीरम्स बहुत पसंद आते हैं, मतलब जो एकदम गुई गुई सा टेक्सचर हो ना, क्योंकि पता ही क्या करते हैं आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जितना भी मॉइस्चर होता है ना लॉक हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। मुझे स्किन केयर करना पसंद आता है, क्योंकि आप अगर मेरे ब्लॉग देखोगे तो आपने देखा होगा यार मैं नहीं करती इतना, मैं नहीं लगाती मेकअप, बस वीडियो में लगा लिया। ब्लॉग्स में आप देखोगे बस ऐसे नाइट सूट में ही, नहीं हम करते यार इतना मेकअप, क्योंकि वीडियो में इतने इतने घंटे करके बैठ जाते हैं, फिर बाद में होता है कि स्किन को थोड़ा सा रेस्ट दो, क्लीन रखो अपने पोर्स को, थोड़ा सा यू नो ब्रीद करे अच्छी तरह से। पर्पल के यहाँ पे चाइल्डहुड बेस्ट इज लिप बाम है ये मेरे पास, SPF इसके अंदर है, रोज 5 ये वाला वेरिएंट है। पर्पल से मुझे ना हमेशा रोज 5 ही रिसीव होता है। बहुत सारे वेरिएंट है बट हमको हमेशा रोज 5 ही मिलता है, बट यार नो डाउट कि बहुत अच्छा है ये वाला लिप बाम, मॉइस्चराइजिंग है, इसकी बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग है। नेल्स लगाए हुए ना तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे डब्बे खुलते हैं, बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग है ये, आप देख सकते हो। तो या यही था गाइज आज का हॉल, आई होप मैंने कुछ छोड़ा ना हो, नहीं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू। सीरम मैंने यूज करना शुरू कर दिया है इनका, और इनका मैंने आपको आज क्या दिखाया, वो जेल मुझे बड़ी पसंद आई, नाइट जेल ना,
तो अब जो क्लेंजिंग बाम है, मेकअप रिमूवर बाम, वो हम यूज करेंगे अनरेडी वाली वीडियो में, ठीक है? चलो बाय।